ये हमारे साथ छोटा सा कल रात को हुआ जी प्रैंक, और उसका नतीजा ये है। बाकी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, फिलहाल आप ही चेक करें। मैंने चिल एसी को बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी कोशिश की है। आज का दिन नहीं सही लग रहा मुझे, कल का भी सही था। Oh my God. अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि आज हमारा बैकग्राउंड व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। और आज हमारे बैकग्राउंड व्यू में जो एडिशन है वो है जी हमारे इस बम्पर का। गर्मी की सूरत हाल आज भी बहुत ज़्यादा सख्त है। और उसके अलावा बस अभी फ़िलहाल घर से निकले हैं शॉप पे जाने के लिए। सुबह थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि सोएंगे लेट तो उठेंगे भी लेट। हमारे साथ हो गया था ये छोटा सा प्रैंक, वो हुआ ये था कि हम यूसीपी का पुल उतर के जोहड़ों वाली रोड पे सीधा आ रहे थे, और हम थे राइट लेन में, तो एक क्या कहेंगे कुत्ता भाग के आया रोड के बीच में। अब मैं राइट लेन में था, मैंने राइट लेन से गाड़ी लेफ्ट लेन डाली, वो लेफ्ट लेन आ गया। मैंने गाड़ी ब्रेक लगाई तो गाड़ी थोड़ी सी ना वापस आई, मैं बीच में आया वो बीच में आ गया। अब बीच में ऐसे आया कि उसने वापस चलना शुरू कर दिया। हमें उधर से राइट लेन दोबारा उसको बचाने के लिए राइट लेन आया, वो फिर राइट लेन आ गया। खैर इसी कश्मकश में वो मेरे बम्पर के राइट साइड पे लग गई है। पैसा बर्बाद। उधर ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया ना एकदम, तो काफी लोग वगैरह इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले भी कोई एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से, कुत्ते की वजह से। ये बार बार रोड इस तरह क्रॉस कर रहा था तो तब ये बच गया था, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब इस बार इसको लग गई अनफॉर्चुनेटली। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इसमें अपनी कोई गलती भी नहीं थी। बस बाकी गाड़ी को उतर के देखा, शुक्र है अल्लाह का खुद ठीक थे, बस एक शील टूट गई। अच्छा कैसी बात है, कल मैं सोच रहा था ये शील थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, नहीं डलवाएंगे। वो शील अल्लाह के वाले हो गई है ऑफिशियली। अच्छा हुआ जो मेन बिग लॉस है ना वो ये है जी कि अभी थोड़ा अर्सा पहले हमने डलवाई थी ब्रांड न्यू फॉग लाइट्स, और वो ब्रांड न्यू फॉग लाइट का एक पीस फिर गिर गया। अब जी मिशन ये है कि हमने फॉग लाइट का एक साइड का पीस ढूंढना है, और वो भी ब्रांड न्यू ढूंढना है क्योंकि दूसरी साइड की ब्रांड न्यू है बिल्कुल, बल्कि दूसरी साइड की लगी हुई है इसमें ऑलरेडी, बम्पर में लगी हुई है। तो एक साइड की गिर गई है, काफ़ी कोशिश की ढूंढने की लेकिन मिली नहीं। फिलहाल रिपोर्ट ये है कि हम जा रहे हैं अपने टेढ़े फ्रेंड को पिक करने, उसके घर से इब्राहिम को पिक करना है, और फिर हमने जाना सीधा शॉप पे। असली तो हमारे साथ एक और प्रैंक कर दिया ज़िंदगी ने, ये आवाज़ अगर आप सुन सकते हो ये, इस आवाज़ का कनेक्शन है जी डायरेक्ट एसी गैस के साथ, और एसी हमारा बिल्कुल हो गया जी डेड। एसी गैस लीक हो रही है, और जैसे जैसे लीक हो रही है बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है आवाज़ जो थोड़ी बहुत ही थी, तो इसलिए नो मोर चिल एसी। हेलो And suddenly you realize that everything. अच्छा जी बॉयज, तो अपडेट ये है कि सफ़र तो आपने इंजॉय कर लिया होगा। इधर रीबर्थ का बम्पर आ चुका है जी बाहर, रीबर्थ खड़ी है जी। ये बेचारी रीबर्थ के दिन अच्छे बिल्कुल भी नहीं गुजरे। ये बम्पर हमारा इधर से टूटा है थोड़ा सा, लेकिन उम्मीद है कि ये रिपेयर हो जाएगा, इसको रिपेयर कराएंगे इंशाल्लाह, ये सही रिपेयर हो जाए, बस बाद में पेंट होना है। नया बम्पर अभी थोड़ा अच्छा चला है, फॉग लाइट उतार ली है इसकी ताकि वो ख़राब ना हो। ये अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू फॉग लाइट डाली थी, और ये आपको पता है फिर जब किस्मत साथ हो तो क्या नहीं हो सकता। राइट फॉग लाइट हमारी गिर गई कल के वो हादसे में, आपको जब मैंने बताया राइट फॉग लाइट हमारे पास की पुरानी पड़ी हुई थी। अब जी इसको हमने कराना है साफ ताकि इसके साथ हो जाए मैच। कायर की एलईडीज हमारी
गॉन टू सून, वो नहीं हमें मिली, वो गिर गई थी। बाकी बस अभी देखते हैं ये बम्पर रिपेयर हो के आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। तब तक इब्राहिम कुछ ऑर्डर कर ले। Everything I ever thought I was made me cry. Like, and I'm really glad I don't take part in your big search for who you are. अच्छा जी बॉयज, तो आज फिर हमारे पास एक अजीम हस्ती आई हुई है, उनकी मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। पहले देखिए जी, ये है जी उनकी गाड़ी, और इसको प्यार से ये भी कहते हैं जी। आए हैं, आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जी कि ये अजीम हस्ती कौन है। ये देखें जी, लास्ट आपने ब्लॉगिंग शुरू करी ली है जो 4 महीने पहले मैंने इसकी दुकान पे आके इसको ये बात कही थी कि आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, उन्होंने शुरू कर दी है। तो इसी बात पे इसका चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इसको सपोर्ट करें, अच्छे ब्लॉग्स बना रहा है, गुड डिसेंट कंटेंट है। जो ये है ये वो नहीं कर रहा। गजब बेइज्जती है। आप इनको जानते हैं तो जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। आज आप किस हवाले से आए हैं सर? तो यार आज हम लगवाने आए हैं मार्क एक्स का स्पॉइलर, जिसमें इन्होंने एक फनकारी लगाई है, मैंने लगाई है वैसे, वो मुझे क्रेडिट जाता है। यहाँ पे एक स्पॉइलर पड़ा हुआ था, बड़ा रैप चॉपर में ऐसे, मैं कहता हूँ फुल पैक हुआ हुआ था। मैंने कहा यार ये किस गाड़ी का? कहते यार 11th जनरेशन सिविक है, आरएस टर्बो का। मैंने कहा यही लगा के देखते हैं। कहते हैं हाँ लगा के देखा जा सकता है। हमने लगाया तो वो फिट तकरीबन आ गया, 19-20 का साइड से फर्क आया। यही नहीं, अभी और सुनिए, लेकिन गुड हैक अभी हम डिसाइड करेंगे। पहले हम रूफ स्पॉइलर डिसाइड करेंगे, फिर हम इसका ट्रंक स्पॉइलर डिसाइड करेंगे कि हमने वो लगाना है या नहीं लगाना। तो रूफ स्पॉइलर का इंतजार है यार, अभी लंबी है, हो रही है, इधर क्या होंगे। तो इसके रूफ स्पॉइलर का इंतजार है, वो आता है, पहले वो लगाएंगे फिर हम इसका ट्रंक स्पॉइलर। अस्सलामुअलैकुम बॉयज, जो मेरी ऑडियंस है वो मैं जानती होगी, वो जानती है, जो नहीं जानती वो जान जाएगी। हसन भाई का ये डायलॉग है। तो कहे बॉयज, आज हम हसन भाई के पास आए हैं स्पॉइलर लेने मार्क एक्स का। मेरे चैनल पे भी इसके रिलेटेड ब्लॉग है, हसन के चैनल पे भी ये आएगा, लेकिन मेरे से लेट आएगा, ये थोड़ा सा सुस्त है, आजकल नया नया आया ना, तो जरा आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखते हैं। तो गेम बचाना पड़े। ये है इसने सिविक एक्स का स्पॉइलर हमें दिया है, कि इसके ऊपर लगा के हम देखते हैं। जो कि इसके कारनामे देखो, इसका अपना नहीं है, ये फिट भी नहीं आ रहा, लेकिन ये अच्छा लगेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन नीचे कि ये अच्छा लगेगा, अगर हम इसकी फिटमेंट बनाते हैं तो ये गुड लगेगा फिटमेंट। और दो और स्पॉइलर्स आ रहे हैं, तो वो आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि वो गाड़ी के ऊपर कैसे लगते हैं। साइड से उठावा ना, इसको कर लेंगे हम। ये किस तरह बनाएंगे ये नहीं समझ आ रही। इस तरह बैठ जाएगा, वैसे बैठ जाएगा, डबल टेप से बैठ जाएगा, डबल टेप एंड हीट गन बैठ जाएगा। गुड हैक। देखे तेरे भाई की वो काम वाली नजरें कैसी काम आई है। ये जी सिविक 2022 आरएस वाला स्पॉइलर है, हमारे पास वो तो नहीं है लेकिन उसका स्पॉइलर है। एंड सडनली यू रियलाइज दैट एवरीथिंग यू एवर। हो गया भाई, आपको हो गया, मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, दिखाओ। अच्छा हमको सिखा रही है। अच्छा ये जी हमारा रीबर्थ का बम्पर रिपेयर होके आ गया, देखते हैं जी कि क्या रिपेयरिंग हुई है और क्या नहीं। तो उसको बंद कर पहले, सारी ठंडी हवा बाहर जा रही है। ओके, किधर से हुआ, किधर से है सर ये पूरा? अच्छा हाँ ये था, दिखाओ उधर अंदर से यार, इधर भी लगवा ही लेते हैं बबलू भाई। ये देखो सर, ये मैंने बाइक से आप ही नहीं करवाया, पट्टी में लगी है, ठीक हो गया अंदर से किया सारा। अच्छा जी ये देखें, ये सारा रिपेयर हो गया इधर से, ठीक है ठीक है, फॉग लाइट संभाल लें बस, ये खराब ना हो। और एक ये है, दोनों का साइज सेम है, एक सेकंड, दोनों दो लॉक बन गए, दिखाना जरा, उधर से भी दिखाना। ये देखिए मेरा, ये एवरी कार का है जो आजकल व्लॉग्स कर रहे हैं, वो सारों का यही सूट आ रहा है। खैर तो ये दो स्पॉइलर आ गए, रूफ स्पॉइलर ये साइड से थोड़ा सा ज्यादा, ये इस तरह से है, ये साइड का ही फर्क है, ज्यादा खास फर्क नहीं है। इस तरह से है, इस तरह से है फर्क। चलते हैं गाड़ी पे लगा के देखते हैं। जी बहुत अपडेट ये है जी कि सालों बाद भी भाई को एक स्पॉइलर पसंद आ गया, और इसकी भी आपको फिनिशिंग चेक कराते हैं, ज़रा रखो
ये देखिए जी, ये स्पॉइलर भाई भी पसंद आ गया आपको, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्पॉइलर जी पेंट होना है अब सिल्वर बॉडी पेंट में, इसको देते हैं जी पेंट के लिए। ये पकड़े भाई, चले आगे लगे। ये जी करोला ईवी हमारे पास, इसमें भी एलईडी इंस्टॉल होनी है, इसकी फॉगलाइट्स में भी एलईडी इंस्टॉल होनी है, लो बीम में भी और हाई बीम में भी। अच्छा ये लग गया हाई बीम में। अच्छा जी ये देखें जी, हाई बीम में एक सेट लग गया, अब लो बीम में रह गया और साथ फॉगलाइट्स में लगनी है, ये भी लगती है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यार बॉयज, ये जो स्पॉइलर है बड़ी देर बाद हमें मिल गए, और ये बेहतर क्वालिटी है, पहले ABS प्लास्टिक है भाई। प्लास्टिक? ABS प्लास्टिक है। बाकी? ABS प्लास्टिक, इसलिए तो उसको यरकान हुआ हुआ है। अच्छा। ये आ गया है इधर फिट। आप पहले दिखाएं मुझे क्या। इब्राहिम ही पकड़ी जरा। आप दूर चले जाओ। ये जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्पॉइलर भी मिल गया हमें ABS प्लास्टिक में, और ये अभी पसंद भी आ गया। हाँ जी, जो हमने 11th जनरेशन का रखा था वो हाँ। वो नहीं ना, वो हमें बस दरगुजर कर देना, भूल जाना उसको, भूल जाना, वो नल हमने कभी देखा ही नहीं था। ये जी द रीबर्थ की ब्रांड न्यू शील्ड्स आ चुकी हैं, ये शील्ड्स हमने लगानी है इस पर, उसके अलावा इसका बम्पर भी रिपेयर हो गया हुआ है, वो भी फिट होना है बस, तो ये चीज़ें हो रही हैं। साथ मार्केट्स की बॉडी किट भी लगा के चेक कर रही हैं कि बैक बॉडी किट उस पर कैसी लगती है। ठीक है, अच्छा नॉट बैड, हाँ बड़ा डिसेंट लुक दे रहे हैं। ओके ओके, समझ रहा हूँ, समझ रहे हो। साइड पैनल गैन पकड़ी ज़रा, वो लगा के देखें, करते हो यार इसको कंप्लीट करो, निकलें। ये देखिए साइड पैनल भी आ गया इसका, साइड पैनल गुड फिटिंग, फाइबर बट गुड फिटिंग। उधर से बिठाओ बिठाओ, ये डबल टेप स्पॉइलर पे लग चुकी है फाइनली, अब बस ये स्पॉइलर लग जाए फिर ये भी आजाद और हम भी आजाद। अच्छा जी बस ग्रिल हमने रख दी है जी अंदर, उसके अलावा बम्पर भी अब अंदर ही आने लगा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम ये नहीं लगवा रहे, शील्डें भी लगनी है, बम्पर भी लगना है, तो इसीलिए अब क्या भाई एयर ड्रॉप करो, मुझे इसी तरह तंग करता था। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, हाँ जी वो एयर ड्रॉप, मैं एक बार ब्लॉक कर लूँ। अच्छा यार शील्डें लग दी है, बम्पर भी लगना है, तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह लगवा लेंगे कल, कल भी गाड़ी आनी है, कल भी इसके काम शाम है, और मज़ीद इसके अलावा बाकी ये मार्केट से किट्स वगैरह भी अंदर आ गई हैं, आज का इसका काम भी कंप्लीट हो गया, बाकी काम इसका इंशाल्लाह होगा जी कल। बबलू भाई आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं, वो दरवाज़ा। अच्छा जी स्पॉइलर की इनकी फिटिंग हो गई है, और अभी भाई अभी तक आपने वीडियो नहीं की, वीडियो कौन सी चाहिए, जो एंट्रेंस की है क्या। अच्छा अच्छा, अच्छा जी बॉयज़ तो अपडेट ये है जी कि हम ज़रा थोड़ी सी, एक मिनट भाई ठीक है चला, ओके हम ज़रा थोड़ी सी जल्दी में शॉप से निकल पड़े हैं, हमने जाना है जी स्विमिंग पूल, लोकेशन अननोन, अब हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाना है, और अच्छी बात इस प्लान की ये है कि ये हनान भाई के साथ नहीं है, और ये इसका ये मतलब है कि ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि हनान भाई के साथ जो स्विमिंग पूल वाला प्लान होता है वो अक्सर कैंसिल हो जाता है, तो बस निकल पड़े हैं यहाँ से, जाते हैं जी सीधा घर, इब्राहिम को ड्रॉप करना है हमने। तो जी आज की वीडियो ख़त्म होती है यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर बताएँ। तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब। Yeah, suddenly you realize